नमस्कार। गुलदस्ता से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी सती। स्वर जया भट्टाचार्य का है। मुलिया को देखते हुए उसका पति कल्लू कुछ भी नहीं है। फिर क्या कारण है कि मुलिया संतुष्ट और प्रसन्न है और कल्लू चिंतित और सशंकित? मुलिया को कौड़ी मिली है, उसे दूसरा कौन पूछेगा? कल्लू को रत्न मिला है, उसके सैकड़ों ग्राहक हो सकते हैं। खासकर उसे अपने चचेरे भाई राजा से बहुत खटका रहता है। राजा रूपवान है, रसिक है, बातचीत में कुशल है, स्त्रियों को रिझाना जानता है। इससे कल्लू मुलिया को बाहर नहीं निकलने देता। उस पर किसी की निगाह भी पड़ जाए, ये उसे असह्य है। वो अब रात दिन मेहनत करता है जिससे मुलिया को किसी बात का कष्ट ना हो। उसे न जाने किस पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसी स्त्री मिल गई है, उस पर प्राणों को न्योछावर कर देना चाहता है। मुलिया का कभी सिर भी दुखता है तो उसकी जान निकल जाती है। मुलिया का भी यह हाल है कि जब तक वो घर नहीं आता, मछली की भांति तड़पती रहती है। गांव में कितने ही युवक हैं जो मुलिया से छेड़छाड़ करते रहते हैं, पर उस युवती की दृष्टि में कुरूप कलुआ संसार भर के आदमियों से अच्छा है। एक दिन राजा ने कहा, भाभी, भैया तुम्हारे जोगन थे। मुलिया बोली, भाग में तो वो लिखे थे, तुम कैसे मिलते? राजा मन में समझा, बस अब मार लिया है। बोला, विधि ने यही तो भूल की। मुलिया मुस्कुराकर बोली, अपनी भूल को वही सुधारेगा। राजा निहाल हो गया। तीज के दिन कल्लू मुलिया के लिए लट्ठी की साड़ी लाया। चाहता तो था कोई अच्छी साड़ी ले, पर रुपए न थे और बजाज ने उधार न माना। राजा भी उसी दिन अपने भाग्य की परीक्षा करना चाहता था। एक सुंदर चुनरी लाकर मुलिया को भेंट की। मुलिया ने कहा, मेरे लिए तो साड़ी आ गई है। राजा बोला, मैंने देखी है, तभी तो मैं इसे लाया, तुम्हारे लायक नहीं है। भैया को किफ़ायत भी सूझती है तो ऐसी बातों में। मुलिया कटाक्ष करके बोली, तुम समझा क्यों नहीं देते? राजा पर एक कुल्हड़ का नशा चढ़ गया। बोला, बूढ़ा तोता नहीं पड़ता है। मुलिया ने कहा, मुझे तो लट्ठे की साड़ी ही पसंद है। राजा ने कहा, जरा ये चुनरी पहनकर देखो कैसी खिलती है। मुलिया ने कहा, जो लट्ठा पहनाकर खुश होता है वो चुनरी पहन लेने से खुश ना होगा। उन्हें चुनरी पसंद होती तो चुनरी ही लाते। राजा ने कहा, उन्हें दिखाने का काम नहीं है। मुलिया विस्मय से बोली, मैं क्या उनसे बिना पूछे ले लूँगी? राजा ने कहा, इसमें पूछने की कौन सी बात है, जब वो काम पर चला जाए पहन लेना, मैं भी देख लूँगा। मुलिया ठट्ठा मारकर हंसती हुई बोली, ये ना होगा देवर जी, कहीं देख लें तो मेरी सहमति आ जाए, इसे तुम लिए जाओ। राजा ने आग्रह करके कहा, इसे ना लोगी भाभी तो मैं जहर खा के सो रहूँगा। मुलिया ने साड़ी उठाकर आले पर रख दी और बोली, अच्छा लो, अब तो खुश हुए? राजा ने उंगली पकड़ी, अभी तो भैया नहीं है, जरा पहन लो। मुलिया ने अंदर जाकर चुनरी पहन ली और फूल की तरह महकती दमकती बाहर आई। राजा ने पहुंचा पकड़ने को हाथ फैलाया, बोला, ऐसा जी चाहता है कि तुम्हें लेकर भाग जाऊं। मुलिया उसी विनोद भाव से बोली, जानते हो तुम्हारे भैया का क्या हाल होगा? ये कहते हुए उसने किवाड़ बंद कर लिए। राजा को ऐसा मालूम हुआ कि थाली परोस कर उसके सामने से उठा ली गई। मुलिया का मन बार बार करता था कि चुनरी कल्लू को दिखा दे, पर नतीजा सोचकर रह जाती थी। उसने चुनरी रख क्यों ली? उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, लेकिन राजा को कितना दुख होता
क्या हुआ उसकी चुनरी छनभर पहन लेने से? उसका मन तो रह गया, लेकिन उसके प्रशांत मानस सागर में ये एक कीट आकर उसे मत रहा था। उसने क्यों चुनरी रख ली? क्या ये कल्लू के साथ विश्वासघात नहीं है? उसका चित्त इस विचार से विकल हो गया। उसने मन को समझाया, विश्वासघात क्यों हुआ? इसमें विश्वासघात की क्या बात है? कौन वो राजा से कुछ बोली? जरा सा हंस देने से अगर किसी का दिल खुश हो जाता है तो इसमें बुराई क्या है? कल्लू ने पूछा, आज रज्जू क्या करने आया था? मुलिया की देह थर थर कांपने लगी। बहाना कर गई, तमाखू मांगने आए थे, कल्लू ने भवें सिकोड़ कर कहा। उसे अंदर मत आने दिया करो, अच्छा आदमी नहीं है। मुलिया ने कहा, मैंने कह दिया तंबाकू नहीं है तो चले गए? कल्लू ने अब तेजस्विता के साथ कहा, क्यों झूठ बोलती है? वो तंबाकू मांगने नहीं आया था। मुलिया ने कहा, तो और यहाँ क्या करने आते? कल्लू ने कहा, चाहे जिस काम से आया हो, तंबाकू मांगने नहीं आया। वो जानता था मेरे घर में तंबाकू नहीं है, मैं तंबाकू के लिए उसके घर गया था। मुलिया की देह में कांटू तो लहू नहीं, चेहरे का रंग उड़ गया। सिर झुकाकर बोली, मैं किसी के मन का हाल क्या जानूं? आज तीज का रथ जगा था, मुलिया पूजा का सामान कर रही थी, पर इस तरह जैसे मन में जरा भी उत्साह, जरा भी श्रद्धा नहीं है। उसे ऐसा मालूम हो रहा है उसके मुख में कालिमा पुत गई है और अब वो कल्लू की आंखों से गिर गई है। उसे अपना जीवन निराधार जान पड़ता था। सोचने लगी, भगवान ने मुझे ये रूप क्यों दिया? ये रूप ना होता तो राजा क्यों मेरे पीछे पड़ता? और क्यों आज ही मेरी ये गत होती? मैं काली कुरूप रहकर इससे कहीं सुखी रहती, तब तो मन इतना चंचल ना होता। जिन्हें रूप की कमाई खानी हो वो रूप पर फूले, यहाँ तो इसने मटिया मीट कर दिया। न जाने कब उसे झपकी आ गई तो देखती है कल्लू मर गया है और राजा घर में घुसकर उसे पकड़ना चाहता है। उसी दम एक वृद्धा स्त्री न जाने किधर से आकर उसे अपनी गोद में ले लेती है और कहती है, तूने कल्लू को क्यों मार डाला? मुलिया रोकर कहती है, माता मैंने उसे नहीं मारा। वृद्धा कहती है, हाँ तूने छुरी कटार से नहीं मारा, उस दिन तेरा तप छीन हो गया और इसी से वो मर गया। मुलिया ने चौकन्नी आंखें खोल दी। सामने आंगन में कल्लू सोया हुआ था। वो दौड़ी हुई उसके पास गई और उसकी छाती पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कल्लू ने घबरा कर पूछा, कौन है? मुलिया क्यों रोती हो? क्या डर लग रहा है? मैं तो जाग ही रहा हूँ। मुलिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे आज एक अपराध हुआ है, उसे क्षमा कर दो। कल्लू उठ बैठा, क्या बात है, कहो तो, रोती क्यों हो? मुलिया ने कहा, राजा तम्बाकू मांगने नहीं आया था, मैंने तुमसे झूठ कहा था। कल्लू हंसकर बोला, वो तो मैं पहले ही समझ गया था। मुलिया ने कहा, वो मेरे लिए चुनरी लाया था, तुमने लौटा दी? मुलिया कांपती हुई बोली, मैंने ले ली, कहते थे मैं जहर माहूर खा लूँगा। कल्लू निर्जीव की भांति खाट पर गिर पड़ा और बोला, तो रूप मेरे बस का नहीं है, देव ने कुरूप बना दिया तो सुंदर कैसे बन जाऊं? कल्लू ने अगर मुलिया को खोलते हुए तेल में डाल दिया होता तो भी उसे इतनी पीड़ा ना होती। कल्लू उस दिन से कुछ खोया खोया सा रहने लगा। जीवन में न वो उत्साह रहा, न वो आनंद, हंसना बोलना भूल गया। मुलिया ने उसके साथ जितना विश्वासघात किया था उससे कहीं ज़्यादा उसने समझ लिया और ये भ्रम उसके हृदय में केवड़े के समान चिपट गया।
वो घर अब उसके लिए केवल लेटने बैठने का स्थान था और मुलिया केवल भोजन बना देने वाली मशीन। आनंद के लिए वो कभी कभी ताड़ी खाने चला जाता या चरस के दम लगाता। मुलिया उसकी दशा देख देख कर अंदर ही अंदर कुड़ती थी। वो उस बात को उसके दिल से निकाल देना चाहती थी, इसलिए उसकी सेवा और मन लगाकर करती, उसे प्रसन्न करने के लिए बार बार प्रयत्न करती। पर वो जितना ही उसको खींचने की चेष्टा करती थी, उतना ही वो उससे विचलता था, जैसे कोई कटिए में फंसी हुई मछली हो। कुशल ये था कि राजा जिस अंग्रेज के यहाँ खानसामा था, उसका तबादला हो गया और राजा उसके साथ चला गया था, नहीं तो दोनों भाइयों में से किसी न किसी का जरूर खून हो जाता। इस तरह साल भर बीत गया। एक दिन कल्लू रात को घर लौटा तो उसे ज्वर था। दूसरे दिन उसकी देह में दाने निकल आए। मुलिया ने समझा माता है, मान मनौती करने लगी, मगर चार पांच दिन में ही दाने बढ़कर आंवले पक गए और मालूम हुआ कि माता नहीं है, उपदंश है। कल्लू के कलुषित भोग विलास का ये फल था। रोग इतनी भयंकरता से बढ़ने लगा कि आंवलों में मवाद पड़ गया और उसमें से ऐसी दुर्गंध उड़ने लगी कि पास बैठते नाक फटती थी। देहात में जिस प्रकार का उपचार हो सकता था वो मुलिया करती थी, पर कोई लाभ ना होता था और कल्लू की दशा दिन दिन बिगड़ती जाती थी। उपचार की कसर वो अबला अपनी स्नेहमय सेवा से पूरी करती थी। उस पर गृहस्थी चलाने के लिए मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ती थी। कल्लू तो अपने किए का फल भोग रहा था, मुलिया अपने कर्तव्य का पालन करने में मरी जा रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यह कल्लू का भ्रम उसकी इस तपस्या से भंग होता जाता था। अब उसे विश्वास होने लगा था कि मुलिया अब भी उसी की है। वो अगर किसी तरह अच्छा हो जाता तो फिर उसे दिल में छिपा कर रखता और उसकी पूजा करता। प्रातःकाल था। मुलिया ने कल्लू का हाथ मुंह धुलवाकर दवा पिलाई और खड़ी पंखा डुला रही थी कि कल्लू ने आंसू भरी आंखों से देखकर कहा, मुलिया मैंने उस जन्म में कोई भारी तप किया था कि तू मुझे मिल गई। तुम्हारी जगह मुझे दुनिया का राज मिले तो भी ना लूं। मुलिया ने दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, इस तरह की बातें करोगे तो मैं रोने लगूंगी। मेरे धन्य भाग की तुम जैसा स्वामी मिला। ये कहते हुए उसने दोनों हाथ पति के गले में डाल दिए और लिपट गई। फिर बोली, भगवान ने मुझे मेरे पापों का दंड दिया है। कल्लू ने उत्सुकता से पूछा, सच कह दो मुला, राजा और तुम में क्या मामला था? मुलिया ने विस्मित होकर कहा, मेरे और उसके बीच कोई और मामला हुआ हो तो भगवान मेरी दुर्गति करे। उसने मुझे चुनरी दी थी, वो मैंने ले ली थी, फिर मैंने उसे आग में जला दिया। तब से मैं उससे नहीं बोली। कल्लू ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मैंने कुछ और ही समझ रखा था। न जाने मेरी मति कहाँ हर गई थी। तुम्हें पाप लगाकर मैं आप पाप में फंस गया और उसका फल भोग रहा हूँ। उसने रो रो कर अपने दुष्कृतियों का पर्दा खोलना शुरू किया और मुलिया आंसू की लड़ियां बहाकर सुनने लगी। अगर पति की चिंता न होती तो उसने विष खा लिया होता। कई महीने बाद राजा छुट्टी लेकर घर आया और कल्लू की घातक बीमारी का हाल सुना तो दिल में खुश हुआ। तीमारदारी के बहाने से कल्लू के घर आने जाने लगा। कल्लू उसे देखकर मुंह फेर लेता, लेकिन वो दिन में दो चार बार पहुंच ही जाता। एक दिन मुलिया खाना पका रही थी कि राजा ने रसोई के द्वार पर आकर कहा, भाभी क्यों अब भी मुझ पर दया न करोगी? कितनी बेरहम हो तुम। कई दिन से तुम्हें खोज रहा हूं पर तुम मुझसे भागती फिरती हो। भैया अब अच्छे न होंगे, इन्हें गर्मी हो गई है, इनके साथ क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? तुम्हारी फूल सी देह सूख गई है,
मेरे साथ चलो, कुछ जिंदगी की बाहर उड़ाएं। ये जवानी बहुत दिन न रहेगी। ये देखो, तुम्हारे लिए एक करण फूल लाया हूँ, जरा पहनकर मुझे दिखा दो। उसने करण फूल मुलिया की ओर बढ़ा दिया। मुलिया ने उसकी ओर देखा भी नहीं, चूल्हे की ओर ताकती हुई बोली, लाला तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे मत छेड़ो। ये सारी विपत्ति तुम्हारी लाई हुई है, तुम ही मेरे शत्रु हो, फिर भी तुम्हें लाज नहीं आती? कहते हो भैया अब किस काम के हैं? मुझे तो अब वो पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब मैं ना होती तो वो दूसरी सगाई कर लेते, अपने हाथों ठोक खाते। आज मैं उनकी आधार हूँ, वो मेरे सहारे जीते हैं। अगर मैं इस संकट में उनके साथ दगा करूँ तो मुझसे बढ़कर अधम कौन होगा? जबकि मैं जानती हूँ कि इस संकट का कारण भी मैं ही हूँ। राजा ने हंसकर कहा, ये तो वही हुआ जैसे किसी की दाल गिर गई तो उसने कहा मुझे तो सूखी ही अच्छी लगती है। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर सजोत नेत्रों से ताकते हुए कहा, तुम उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं हो लाला। क्या कहते हो तुम, उजले कपड़े और चिकने मुखड़े से कोई आदमी सुंदर नहीं होता? मेरी आंखों में तो उनके बराबर कोई दिखाई नहीं देता। कल्लू ने पुकारा, मुला थोड़ा पानी दे। मुलिया पानी लेकर दौड़ी, चलते चलते करण फूल को ऐसा ठुकराया कि आंगन में जा गिरा। राजा ने जल्दी से करण फूल उठा लिया और क्रोध में भरा हुआ चल दिया। रोग दिन पर दिन बढ़ता गया, ठिकाने से दवा दारू होती तो शायद अच्छा हो जाता, मगर अकेली मुलिया क्या क्या करती। दरिद्रता में बीमारी कोढ़ का खाज है। आखिर एक दिन परवाना आ पहुंचा। मुलिया घर का काम धंधा करके आई तो देखा कल्लू की सांस चल रही है। घबरा कर बोली, कैसा जी है तुम्हारा? कल्लू ने सजल और दीनता भरी आंखों से देखा और हाथ जोड़कर सिर नीचा कर लिया। यही अंतिम विदाई थी। मुलिया उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी और उन्माद की दशा में उसके आहत हृदय से रक्त की बूंदों के समान शब्द निकलने लगे। तुमसे इतना भी न देखा गया भगवान? उस पर न्यायी और दयालु कहलाते हो, इसीलिए तुमने जन्म दिया, यही खेल खेलने के लिए? हाय नाथ, तुम तो इतने निष्ठुर न थे, मुझे अकेली छोड़कर चले जा रहे हो। हाय, अब कौन मोला कहकर पुकारेगा? अब किसके लिए कुएं से पानी खींचूंगी, किसे बिठाकर खिलाऊंगी, पंखा डुलाऊंगी? सब सुख हर लिया तो मुझे भी क्यों नहीं उठा लेते? सारा गांव जमा हो गया, सभी समझा रहे थे। मुलिया को धैर्य न होता था, ये सब मेरे कारण हुआ, ये बात उसे नहीं भूलती। हाय भगवान, उसे भगवान ने सामर्थ्य दिया होता तो आज उसका सिरताज यूं उठ जाता। शव की दाह क्रिया की तैयारियां होने लगी। कल्लू को मरे 6 महीने हो गए। मुलिया अपना कमाती है, खाती है और अपने घर में पड़ी रहती है। दिन भर काम धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, रात को एकांत में रो लिया करती है। उधर राजा की स्त्री मर गई, मगर 2-4 दिन के बाद वो फिर छैला बनकर घूमने लगा। और भी छुट्टा साण हो गया। पहले स्त्री से झगड़ा हो जाने का कुछ डर था, अब वो भी नहीं रहा। अब की नौकरी पर से लौटा तो सीधा मुलिया के पास पहुंचा और इधर उधर की बातें करने के बाद बोला, भाभी अब तो मेरी अभिलाषा पूरी करोगी या अभी और कुछ बाकी है? अब तो भैया भी नहीं रहे, इधर मेरी घरवाली भी सिधारी, मैंने तो उसका गम भुला दिया, तुम कब तक भैया के नाम को रोती रहोगी? मुलिया ने घृणा से उसकी ओर देखकर कहा, भैया नहीं रहे तो क्या हुआ, भैया की याद तो है, उनका प्रेम तो है, उनकी सूरत तो दिल में है, उनकी बातें तो कानों में है, तुम्हारे लिए और दुनिया के लिए वो नहीं है, मेरे लिए वो अब भी वैसे ही जीते जागते हैं, मैं अब भी उन्हें वैसे ही बैठे देखती हूँ।
पहले तो देह का अंतर था, अब तो वो मुझसे और भी नगीच हो गए हैं और ज्यों ज्यों दिन बीतेंगे और भी नगीच होते जाएंगे। भरे पूरे घर में दाने की कौन कदर करता है? जब घर खाली हो जाता है तब मालूम होता है कि दाना क्या है। पैसे वाले पैसे की कदर क्या जाने, पैसे की कदर तब होती है जब हाथ खाली हो जाता है, तब आदमी एक एक कौड़ी दांत से पकड़ता है। तुम्हें भगवान ने दिल ही नहीं दिया, तुम क्या जानो सोबत क्या है। घर वाली को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए और तुम सांड बन बैठे। तुम मर गए होते तो इसी तरह वो भी अब तक किसी के पास चली गई होती। मैं जानती हूँ कि मैं मर जाती तो मेरा सिरताज जन्म भर मेरे नाम को रोया करता। ऐसे ही पुरुषों की स्त्रियां उन पर प्राण देती हैं। तुम जैसे सौदों के भाग में पत्तल चाटना लिखा है, चाटो, मगर खबरदार आज से मेरे घर में पांव न रखना, नहीं तो जान से हाथ धोगे, बस निकल जाओ। उसके मुख पर ऐसा तेज, स्वर में इतनी कटुता थी कि राजा को उस जवान खोलने का भी साहस न हुआ, चुपके से निकल भागा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी सती। वाचिका थी जया भट्टाचार्या।